तो हर फील्ड का एक गुरु होता है और हमारे गुरु हम मानते हैं। क्या हाल है मदित भैया? ऑल गुड। हेलो भाई। तो गाइस हम लोग हैं अभी राइनॉक्स जयपुर में, जो कि अभी आज ही रिसेंटली ओपन हुआ है, और यहाँ पे आपको सारी बाइकिंग एक्सेसरीज मिल जाएगी। जितने भी आर्टिकल्स आप लोग ऑनलाइन देखते हैं वो सारे आपको ऑफलाइन में यहाँ मिलेंगे। आप इतना घूमते हो, इतना दूर दूर तक जाते हो यार, रोड हो गया, आपको ध्यान रखना किस किस तरीके से रोड है, क्या सुंदर रोड है, और एक इंस्पिरेशन जो मिलता है ना वो सबसे मिलता है। लोग कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग। तो भाई लोगों, यहाँ पे जयपुर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक बाइकिंग स्टोर की, और बहुत सारे बाइकिंग स्टोर हैं जो कि मल्टी ब्रांड एसेसरीज बेचते हैं। तो पहली बार जयपुर में एक ब्रांड आउटलेट खुला है जो कि है राइनॉक्स का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से इन्वाइट आया था, तो सोचा चलो चलते चलते राइनॉक्स भी देख लेते हैं, कुछ आई है चीज़ें। तो ये देखो सामने संजय भैया, अरे आप कहाँ घूम रहे हो, कहाँ पे? मैंने कहा दिखे नहीं रहे हो यार। तो भाई लोग, अभी जो राइनॉक्स का शोरूम खुला है वो है यहाँ पे गोपालपुरा बाईपास पे, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधे। तो गाइस ये है राइनॉक्स का आउटलेट जो कि अभी यहाँ पे खुला है। हम लोग आ गए हैं और अभी जा कर के देखते हैं क्या नया आया है। क्या हाल है मदित भैया? ऑल गुड। हेलो भाई जी। तो गाइस हम लोग हैं अभी राइनॉक्स जयपुर में, जो कि अभी आज ही रिसेंटली ओपन हुआ है, और यहाँ पे आपको सारी बाइकिंग एसेसरीज मिल जाएगी। जितने भी आर्टिकल्स आप लोग ऑनलाइन देखते हैं वो सारे आपको ऑफलाइन में यहाँ मिलने वाले हैं। ये पूरी आप रेंज जो देख रहे हैं, ये राइडिंग एसेसरीज की, जितने भी ग्लव्स हैं ये सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे आर्टिकल्स हैं जो राइडिंग जैकेट्स हैं और राइडिंग पैंट्स हैं। सो गाइस, जो आर्टिकल्स आप ऑनलाइन देखते थे एक्सक्लूसिवली ऑन राइनॉक्स वेबसाइट, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, और इसी के साथ बैकपैक्स और टूरिंग बैग्स भी आपको यहाँ पे फुल रेंज मिल जाएगी। तो मस्ट विजिट। चलो बाबा मिलते हैं। ओके बाबा, बिल्कुल मिलने का बनाओ सीन, आप बताओ ना, पक्का है, बुला लो, आपको बताओ कहाँ आना है। चलो बाबा संडे चलो, ऑफ रोडिंग पे चले, हाँ भी चल सकते हो, इंटरसेप्टर है। देखो मेरे पास प्लेसेस हैं जो मैं एक्सप्लोर करवा सकता हूँ, आपने देखे भी नहीं होंगे। वो ही जगह एक्सप्लोर करेंगे जल्दी गौरव भैया के साथ। गौरव स्क्वायर, गौरव स्क्वायर इनको जाना भी चाहिए। अच्छी बात है कि वो सारी जगह पे एक साथ एक्सप्लोर। नवंबर में नॉर्थ ईस्ट कर रहा हूँ मैं, सेवन सिस्टर्स। हाँ सोलो जंस्कार जाना, पर अभी होगी जंस्कार। हाँ मेरा जंस्कार रह रहा है यार, जंस्कार करना है मुझे, मेरा सिर्फ जंस्कार ही रह रहा है, बाकी सब कर लिया मैंने। देख के जाओ जंस्कार के अंदर कुछ भी नहीं है। बाय भैया, सी यू भैया। अरे बहुत कुछ, और मतलब आप सोचो यार, रॉयल इनफील्ड की कौन सी हिमालयन 411 पे मिलते हैं यार लोग जिनसे सीख लेते हैं कुछ ना कुछ नया। वेट डाल देंगे। मेरा मूड है 790 लेने का, आप जब भी आती है। चलो भव्य भैया, बढ़िया लगा व्हाट टाइम बाद मिल करके, चलो मिलते हैं फिर। और कितनी लंबी कर रहे हो? हाँ जी सरफराज भैया। तो गाइज हम लोग हैं अभी टॉक रोड पे, और जैसा मैंने बताया कि आज है टीचर्स डे, तो हर फील्ड का एक गुरु होता है, और हमारे गुरु हम मानते हैं हमारे आदरणीय जगदीश सर को। तो कोई भी ओकेज़न हो हम लोग जाते ज़रूर हैं उनके पास में, और आज से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी जाएंगे जगदीश सर को ढोक देंगे, और उसके बाद हमारे अड्डे पर चलेंगे जो कि होता है यूजुअली खेतला आपा। और शेखर भाई गए थे किशनगढ़ और वहाँ से आ गए हैं, तो अभी उनसे मिलते हैं, थोड़ी तफरी काटते हैं, और उसके बाद में आज के ब्लॉग को देंगे अंजाम। कौन से लड्डू बोल रहे थे, कौन से लेने हैं?
लड्डू तो मैं तो इस तरह की बोल रहा था, या तो ज्यादा दूध वाले ले लो जो ले लो, नहीं तो फिर बर्फी देख लीजिए, ये ले लेते हैं बर्फी ले लो आधा किलो, या ये इस तरह की नारियल की बर्फी हो गई, बहुत सारी है। कोई सी ले लो यार, कोई सी भी ले लो। ये क्या है पतीसा? पता नहीं है क्या। ये ले लो भैया, ये क्या है? सोन पकड़ी जा पतीजा क्या पता पतीसा। भाई देखो, हम लोग आए हैं गोपालपुरा पे, यहाँ पे हमने सोचा कि चल ही रहे हैं तो कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि राजस्थानी है तो राजस्थान में तो मीठा बहुत जरूरी है। कहीं भी जा रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, मीठा लेकर जाओ। 7 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं जगदीश सर के घर पे। ये रहा जगदीश सर का घर। ये जगदीश सर की जीप, और सर के घर का नाम है चित्रांग। भाई बादल आ गए हैं अच्छे खासे। घंटी बजा दी है तो जी, हम लोग हैं जगदीश सर के घर पे, और जैसा कि आज है टीचर्स डे, मैंने अभी भी ब्लॉग में बताया था, तो हमारे राइडिंग गुरु एक ही हैं जगदीश सर, और यहाँ आते तो बस ये हो जाता है कि आए हैं तो ढोक देते हुए चलेंगे। अभी भी हमारा यही था कि यहाँ से गाड़ी का काम हो गया, अब सीधे निकलेंगे, बट जगदीश सर के पास में आ गए। मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं निधि जी को, गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छी गाड़ी ले ली इन्होंने। वैसे भी जगदीश सर अपने अपने ही नहीं, मतलब मैं तो कह रहा हूँ राइडर्स कम्युनिटी जो है कम से कम जयपुर की, तो उनके सबके गुरु हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल सर, हमारी नज़र में तो आप ही हैं भाई। इनसे एक्सपीरियंस राइडर अभी जयपुर में मेरे को तो कोई नॉलेज में नहीं है, मेरे भी कोई है बिल्कुल नहीं। एक्सपीरियंस देखो क्या होता है, आप गाड़ी मेरे से बहुत ज़्यादा, आप तो उतना घूमते हो, उतना दूर दूर तक जाते हो यार, रोडों का आपको ध्यान रखना है, किस किस तरीके से रोड है, कैसे टफ रोड है। और एक इंस्पिरेशन जो मिलता है ना वो सर से मिलता है। जो सबसे बड़ी बात है, लुक जो एक बाइकर का होना चाहिए ना, वो अभी हमारा नहीं है। अब जो वाइट मेरी उम्र में पहुंच चुके ऐसा, तो देखो हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में हमारे साथ थोड़ी सी जबरदस्ती हो जाती है कि आंटी मानती नहीं, तो चाय तो पिला के भेजेंगे आंटी। तो आंटी ने बोला चाय भी हो गया या कॉफी, उसके अलावा दूसरी बात नहीं। अब सच में नहीं, नहीं नहीं नितेश भाई, आप भी हमारे गुरु हो, ऐसे आपको भी खाना पड़ेगा एक लड्डू तो, और वो सर खिलाएंगे। वाह आप तो आओगे, अरे क्या बात है। अब इनको आप बताओ हो गया सर, बस हो गया, अरे खाओ ना, आंटी को भी खिलाओ। बाग में से ठीक है, अब तो होगा, मैं खिलाता हूँ ना। लो आप कैसे सोचते हो, नीतेश जी ने गाड़ी दी है खुशी में, बारिश भी आ गई, बारिश आ गई बाहर, बारिश भी आ गई। ये आपका मत